मीनू मीनू, क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे भाई क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो? ये बताओ आखिर तुम्हारे खर्च दिन ब दिन बढ़ते क्यों जा रहे हैं? खर्च बढ़ते जा रहे? अभी मेरे पास मोबाइल में मैसेज आया, ये तुमने 10-15 हज़ार रुपये कहाँ कर दिए? अरे वो मैं थोड़ा मार्केट चली गई थी अपना कुछ सामान लेने। मार्केट चली गई थी? सारा सामान तो तुम्हारा मैं ला के देता हूँ, इसके बाद भी तुम अलग से शॉपिंग करने जाती हो? पर्सनल सामान होते हैं, अब मैं सारी चीजें तुमसे तो नहीं बता सकती ना। मीनू मीनू थोड़ा वक्त को समझो, देखो थोड़ी सी सैलरी में हम लोग गुजारा करते हैं। ऐसी बातें करते हो तुम भी। पहले तो जब हम और तुम आपस में बात करें तो अपने मोबाइल को बंद रखा करो, साइलेंट कर दो उसे। अरे बजने दो, हो सकता है मेरी किसी फ्रेंड का फोन आ रहा हो, आज मुझे लग रहा है उसका बर्थडे है। चलो खैर, बात यह है कि मैं तुम्हें समझा रहा था कि तुम ये फालतू खर्च करना छोड़ दो। फालतू खर्च है ये? तुम कहना क्या चाहते हो तुम? मीनू मैं बताना चाहता हूँ कि देखो मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करता हूँ, फिर भी तुम मेरे पीठ पीछे जो है मीशो से और फ्लिपकार्ट से सामान मंगा लेती हो। जरूरतें होती है लेडीज की जो मुझे मंगानी पड़ती है। अब छोटी छोटी चीज के लिए तुम्हें फोन थोड़ी नहीं करूंगी कि मेरे लिए वो लिया ना, मेरे लिए ये लिया ना। जरूरतें छोटी में भी पूरी की जा सकती हैं, समझने की कोशिश मेरी नहीं होती। 15,000-10,000 रुपए अभी मेरे पास अभी मैसेज आया मोबाइल पे। आया तो फिर क्या करूं, क्या करूं मैं? थोड़ा सा कोशिश करो कि कम खर्च में और अच्छी जिंदगी भी गुजारने की। तुम मुझसे ना और बातें कर लिया करो, बस ये पैसों के मत करा करो। पैसों की ना करूं? हाँ। एक बात बताओ, पूरे महीने मेहनत करता हूँ, 31 तारीख को मेरी सैलरी आती है, जब सैलरी आती है तो मैसेज आता है कि आधा तो तुम्हारे शॉपिंग में उड़ गए, फिर अब घर का राशन खर्च ये वो बिजली का बिल ये कहाँ से दूंगा? ये सारी सुख सुविधाएं तुम्हें दी हैं, इतना आलीशान मकान बना के दिया है, और देखो 2 महीने से बिजली का बिल भी जमा नहीं हुआ है, उसकी भी पेनल्टी लग गई है। अब तो बताओ, लग जाने तो लग गई, तो आधी तनख्वाह तुम्हारी शॉपिंग में चली गई, अब कहाँ से भरूंगा ये सब? मुझे क्या पता कहाँ से भरोगे, किराएदार रहते हैं उन पैसे, जब किराया आएगा जब देख लेना। किराएदार रहते हैं उनका, पिछले बार तुमने उनके किराए से भी शॉपिंग कर ली। जरूरत थी मुझे, मेरी फ्रेंड के पापा की वो क्या कहते हैं वो रिटायर होके आए थे, बहुत बड़ा फंक्शन रखा था उन्होंने, मुझे जाना पड़ा। अब ऐसे फटे हुए कपड़े पहन के थोड़ी ना जाती मैं, भगवान बड़े बड़े लोग आ रहे थे वहां पे, तो मुझे भी थोड़ा स्टाइलिड बन के जाना था। भगवान जाने तुम्हारी जरूरतें कब पूरी होंगी, और कपड़ों की बात तुम कर रही हो, वो 2 अलमारियां जो भरी पड़ी हैं उनका क्या होगा? एक काम करो, उनमें मिट्टी का तेल लेकर आग लगा दो बस, और इससे ज्यादा क्या कर सकते हो? तुम कभी यहाँ से सोचने की कोशिश नहीं करती? मुझे जरूरत नहीं है सोचने की, बस ये है कि मैंने नाश्ता बना दिया है, खा लो। नाश्ता बना दिया है? हाँ, खाना चाहो तो। अब नाश्ता गुस्से से कराओगी या प्यार से? तुम शुरुआती गुस्से से करते हो तो फिर मैं क्या करूं? अब नाश्ता करूं या फिर बाहर जाऊं? आओ चलो। कोई है? अरे कोई है जी? मैडम जी नमस्ते। नमस्ते, मैं रूम देखने के लिए आई थी। अच्छा अच्छा, रूम यानी कि रेंट पे? हम्म, किराए पर चाहिए मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ से आई हो? मथुरा से? मथुरा से आई हूँ मैं। तो मथुरा से रूम लेने यहाँ आई हो? अरे हाँ, यहीं तो आ गए हैं ना हम इसीलिए। अच्छा अच्छा, लगता है तुम्हारे हस्बैंड का यहाँ कोई काम वाम है। हाँ, उनकी नौकरी लग गई है इसी शहर में। अच्छा, इसी शहर में नौकरी लग गई है, तो उसके लिए चाहिए आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, कमरा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपका नाम क्या है? मेरा नाम साक्षी। अच्छा, साक्षी नाम है आपका। कितने लोग हैं आप? मैं और मेरे हस्बैंड है और एक बच्चा है मेरा 5 साल का। अच्छा अच्छा, तो हाँ। बच्चा भी साथ ही रहेगा? हाँ, बच्चा तो हमारे साथ ही रहेगा, और कहाँ रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, पहले मैं आपको रूम दिखाती हूँ, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। चलिए ठीक है, चलिए। एक मिनट जरा मैं अपने हस्बैंड को बुला लूँ जी, उनसे भी पूछ लूँ। क्यों नहीं। अरे सुनिए जी। अरे क्या हुआ भाई? अरे क्या? नमस्ते भाई साहब, ये रूम लेने आई है रेंट पे। रूम? हाँ, अब मुझे ये बताओ मैं कौन सा वाला कमरा दिखाऊंगी भाई? अपने नीचे ऊपर दोनों खाली पड़े हैं, जो समझो दे दो। नीचे वाला तो शायद मुझे लग रहा है वो अभी उसका सामान रख, वो नीचे वाले में तो अभी सामान रखा है हमारा, अभी वो उसे उधर उधर करेंगे तो फिर कहाँ रखेंगे सामान? ये मोहतरमा आई कहाँ से है? मथुरा से आई। मथुरा से आई। मेरा नाम साक्षी है। आपका नाम साक्षी है, मथुरा से आई? आप मथुरा से और भोपाल में? जी, मेरे हस्बैंड की जॉब लग गई है ना इसीलिए। अच्छा, इसी शहर में लगी है। आपके हस्बैंड की जॉब भोपाल में लगी है? भोपाल में लगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आप भाई देखिए, घर और मकान का तो सारी जिम्मेदारी मीनू जी की है, आप देख लो जो भी चाहो वो कमरा। मैं तो आपसे पूछ रही थी कि कौन सा वाला कमरा, अगर रूम नीचे मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे पहले आपने कौन सी बातें मुझसे पूछ के करी हैं, घर का भी देख लो। मतलब नहीं,
मैडम जी अगर रूम नीचे का मिल जाए तो अच्छा रहेगा, बच्चा छोटा है ना, अगर गिर भी जाए तो ऊपर। अच्छा अगर नीचे का चाहिए तो थोड़ा महंगा हो सकता है। कितना महंगा होगा, किराया कितना होगा? किराया होगा 5,000 रुपए के तो आसपास होगा ही होगा। 5,000 रुपए? हाँ। देखिए भोपाल शहर में पहली बात तो मकान मिलते नहीं है। इत्तेफाक से हमारे घर के कुछ कमरे हमने इसीलिए बनाए और इतना सस्ता मिल रहा है आपको, वरना अगर आप बाहर जाएंगे ना तो 10,000 से नीचे कोई आपको देगा नहीं, 7,000-8,000 ऐसे। मैं तो 5,000 रुपए में दे भी रही हूँ। और पर भाई देखो जितना तुम बिजली का बिल फूकोगे उतना ही आएगा। चाहे ऊपर वाले कमरे का रेट क्या है? ऊपर वाले का थोड़ा महंगा हो सकता है क्योंकि उसमें एसी वेसी लगा हुआ है। नहीं नहीं मैं नीचे ही रह दूंगा। अगर आपको फैन वाला चाहिए तो थोड़ा डाउन है, वो 5,000 का। अगर आप ऊपर वाला लेंगी तो उसमें एसी लगा है। मैं फैन वाले में रहती हूं। आपको सिर्फ अपना टाइम ही तो काटना है जब तक आपके पति की जॉब यहाँ है। अगर ट्रांसफर हो गया तो आपको फिर जाना पड़ेगा, तो आप नीचे वाले ले लीजिए। भाई साहब जब तक जॉब रहेगी जब तक ही मैं रहूंगी। हाँ अच्छा अपना आइडेंटिटी कार्ड वगैरह दे दीजिए, पहले मैं आपको रूम दिखा दूं। चलिए हाँ देखिए ये फॉर्मेलिटी तो आपको करनी पड़ेगी, आधार कार्ड वगैरह। देखिए ये रूम है। रूम तो मुझे बढ़िया लगा, बहुत ही अच्छा रूम है। अब रूम पसंद है आपको? जी मुझे बहुत पसंद है। ठीक है अब कुछ फॉर्मेलिटी है वो मैं बता देती हूँ। कौन सी? पहली बात तो तुम्हें एडवांस देना होगा। एडवांस? हाँ जी मैं दे दूंगी एडवांस। अच्छा और देखिए मीटर आपका लगा हुआ है, जितना आप मतलब यूज करेंगे उतना ही आएगा। हाँ ठीक तो है? ठीक है। और दूसरी बात फालतू आदमी मेरे घर में नहीं आना चाहिए। फालतू कौन है? हमारे हस्बैंड ड्रिंक तो नहीं करते? नहीं नहीं वो ड्रिंक नहीं करते, बहुत अच्छे आदमी है। नॉनवेज वगैरह अगर खाना हो तो बाहर खा के आइए। नॉनवेज तो हम खाते ही नहीं है। और अच्छी बात है जी। और हाँ 10 बजे तक आ जाए तो ठीक है, वरना 10 बजे के बाद गेट नहीं खुलता। वो तो 9 बजे आ जाते हैं। चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। हाँ देखिए अगर आपको टीवी चलाना है तो सिर्फ उसकी आवाज तुम्हें सुनाई देनी चाहिए, मेरे कानों तक तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचनी चाहिए। म्यूजिक चला रहे हो कुछ भी चला रहे हो और बच्चे ऊधम मचाते हैं, बहुत से हाउ करते रहते हैं, वो चीज मुझे पसंद नहीं। बच्चे हैं कितने? एक ही तो बच्चा है, वो भी छोटा सा है। अरे एक ही बच्चा 10 बच्चों के बराबर होता है, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपके बच्चे नहीं है क्या? अरे मैं अभी बच्चे बच्चे के कैसी बातें कर रही? आपके पति करते क्या हैं? अरे आपको क्या मतलब इन चीजों से? चाहे मेरे पति घर में रोटियां बनाते हो तुम इस बात से क्या लेना? बस मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। नहीं नहीं आप रूम से मतलब रखिए। और हाँ एक चीज और बता रही हूँ, देखिये बहुत से किराएदार क्या होते हैं कि मकान तो ले रूम तो ले लेते हैं, लेकिन रूम लेने के बाद में वो मकान वाले की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर बहुत करते हैं, वो मुझे पसंद नहीं है जी। मैं तुरंत खाली करवा देती हूँ, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे सड़क पर सामान रखना पड़े। मुझे क्या लेना देना आपकी लाइफ से? आप कैसी भी जी और मैं भी कैसी भी, यही मुझे अच्छी लगती है बस बातें कि किसी की लाइफ से कोई मतलब नहीं। अब चाहे वो बच्चे करे ना करे, पति क्या करता है कुछ क्या नहीं करता है, चाहे घर में झाड़ू पोछा ही करता हो, है कि नहीं, बस उस चीज से मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है बस तुम अपना रहो और टाइम से किराया दो। आज ही अगर आप टाइम से किराया दोगी तो ठीक है, वरना 500 रुपए एडवांस के मतलब पेनल्टी लग जाएगी। किराया तो मैं टाइम से पहले ही दे दूंगी, क्यों इतनी टेंशन ले रही हूँ? अच्छी बात है अभी के लिए भारी नहीं पड़ेगा। तो आज ही सामान ले आऊं फिर? मैं तो कह रही हूँ अभी ले आओ। अरे अभी ही ले आती हूँ, जब आपका मन करे जब ले आओ जी। ठीक है और आधार कार्ड की जरा फोटो कॉपी वगैरह जरूर दे दी। ले आऊंगी आधार कार्ड, चलिए फोटो भी दे दूंगी। अब तो खुश हो भाई, तुम्हारी दुसरात भी हो जाएगी, अब तो किराएदार भी आ गए हैं। अरे हाँ मैं किराएदारों से तुम्हें तो पता है मैं कहाँ ज्यादा मतलब रखती हूँ, मुझे अपने काम से काम रखना है। वो लोग दूर से आए हो ना, परेशान मत करना। ठीक है ऐसे कह रहे हो जैसे रिश्तेदार है हमारे घर में। अरे रूम लेके रह रहे हैं यार, वो तुम कैसी बातें? चलो अब वो तुम घर के मालकिन हो, तुम जैसा चाहो वैसा। मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है, मैं निकल रहा हूँ। ठीक है और शाम को मुलाकात होती है। बिल्कुल ठीक है, बाय। अरे साक्षी जी, अरे हैं क्या अंदर? अरे आप? हाँ अरे मैं आपसे एक बात कहने आई थी, आपका कुकर सीटी बहुत मारता है, खराब वगैरह हो गया है क्या? खराब नहीं, दाल बना रही थी ना मैं सीधे, तो इतनी तेज तेज पूरे घर में गूंज रही है उसकी आवाज। कुकर की आवाज पूरे घर में गूंज रही है? आप उसमें बनाया करो ना, उसमें भगोने भगोने में बनाया करो, केतली वगैरह में। और वैसे भी कहाँ आप कुकर वुकर के चक्कर में पड़ रही हैं, सारी विटामिन निकल जाती है उसकी दाल की।
अरे उसमें भगोने में बनाओगी तो सही रहेगा, उसकी विटामिन नहीं निकलेगी कभी भी। ऐसा है, भगोने में दाल ना देर से बनती है, इसीलिए मैं कुकर में बनाती हूँ। देखिए मुझे इससे बहुत एलर्जी है, मुझे डिस्टर्ब करता है बार बार। अब मैं भजन करती हूँ भगवान के सामने बैठ के, तो ऐसा लगता है कि मैं भजन नहीं तुम्हारी कुकर की आवाजें सुन रही हूँ। वैसे आपको देख कर लगता नहीं है क्या भगवान का भजन भी करती होंगी? मुझे देख के तो बहुत कुछ मॉडल सॉडल सी। हाँ वो तो मैं हूँ, ये तो है, थोड़ी सुंदर भी हूँ। हाँ वो एक्चुअली क्या है ना कि मैं भजन भी करती हूँ तो मॉडल तरीके से। जी जी। अब जैसे कि फ़ोन है, हेडफोन लगा लेती हूँ, अब भजन चलते रहते हैं, भगवान की तस्वीर आती रहती है, मैं थोड़ा अपना वो भी एक्सरसाइज वगैरह भी हो जाती हूँ, तो ऐसे करती हूँ। तो मेरे उसकी भजन की आवाज़ कम आती है, आपका कुकर की आवाज़ ज़्यादा आती है। तो कल से मैं बंद कर दूंगी कुकर। हाँ बिल्कुल कर लीजिए, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दाल बनेगी तो कुकर में ही बनेगी, अब रोज़ रोज़ तो दाल बनती नहीं है। अरे तो दाल खाती क्यों हो, वैसे हरी सब्जियाँ खाया करो। अरे तो रोज रोज हरी सब्जी थोड़ी ना खाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, मैं संडे वाले दिन घूमने जाती हूँ बाहर, तो उस दिन आप दाल बना लिया करें। जी मैं संडे वाले दिन है नहीं, बाकी दिन ना बनाए क्योंकि डिस्टर्ब होता है, अच्छा नहीं लगता। अरे आपके मकान मालिक डिस्टर्ब होंगे तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं, देखिए मेरी वजह से हमारी वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हम मकान वाले की किसी बात कर रह गए, अगर हमारी वजह से हमारे किराएदारों को टेंशन होगी तो है कि नहीं, कोई भी परेशानी हो आंख बंद करके आप मेरे पास आ जाए। मैं आपसे ही कहूंगी अगर मुझे कोई परेशानी। और हाँ एक चीज, जैसे कि मैं अपने रूम में हूँ, आपने समर चला दी, जैसे मैं सुबह लेट उठती हूँ जैसे कि, और समर चला दी आपको तो जल्दी जरूरत पड़ती होगी ना, तो एक भी बूंद पानी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। एक भी बूंद पानी नहीं, जमीन में नहीं गिरना चाहिए ना। अच्छा हाँ हाँ, तुरंत बंद कर देना उसे, चाहे तुम्हें वहां उसके लिए खड़ा क्यों ना रहना पड़े। ठीक है ना? ठीक है। देखिए ये बातें मैं इसलिए बता रही हूँ, आपके लिए भी फायदा है और सभी के लिए। जी अच्छा है ना, ठीक है जाओ, लेकिन संडे वाले दिन ही दाल बनाना, रोज रोज मत बनाना। मैं संडे वाले दिन ही दाल बनाऊंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यहाँ पे देखो अभी तो आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ से जाने का ही मन नहीं करेगा तुम्हारा। जी ठीक है ना, कोई परेशानी हो आप मेरे पास आ जाना, जरूर लाऊंगी आप। ठीक है भाई। मीनू देखो जी, बाकी तो सब ठीक है, वो किराएदार भी आ गए हैं और तुम्हारा भी टाइम सही गुजर रहा है। अब हाँ ये है कि मैं दो दिन के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ, जरूरी काम से। बाहर? हाँ ऑफिस के काम से। हाँ ऑफिस के काम से। ऑफिस के काम से? अभी पिछले 15 दिन पहले तो गए थे भाई। ऑफिस के काम से मुझे महीने में 4 बार जाना पड़ता है, तुम्हें मालूम तो होना चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है। होली आ रही है, ऑफिस के काम से जा रहे हो? जरूरी काम है। कहीं और जा रहे हो? ऑफिस के काम से ही जा रहा हूँ, मेरे फोन पे फोन करती रहना वीडियो कॉल। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं फिर लौट के तुमसे मुलाकात करता हूँ। ठीक है ठीक है, चलो ध्यान रखना। बताया तो यही था, ट्राई करके देखता हूँ रूम मिल जाए तो। अरे कोई है? कोई है? नमस्ते जी। जी आपके यहाँ रेंट पर रूम खाली बताया था मुझे किसी ने, तो इसीलिए आया था। हाँ है रूम, लेकिन आप कहाँ से आए? मैं वैसे तो क्या कहते हैं, मैं छोटे से एक शहर का ही हूँ, अलीगढ़ के पास मेरा गांव पड़ता है, तो वहीं से हूँ और यहाँ मेरी जॉब लगी हुई है। ये अलीगढ़ है कहाँ पे? अलीगढ़ यूपी में पड़ता है। अच्छा अच्छा, नाम सुना है, देखा नहीं है कभी। हाँ कभी आइए, वहाँ की एग्जीबिशन देखिए, काफी अच्छी एग्जीबिशन लगती है। देखिए ये भोपाल है, यहाँ पे तो आपको तो पता है। हाँ कि यहाँ के लोगों का बड़ा कम हो जाता है ऐसी जगहों पे जाना। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन शहर काफी अच्छा है, देखने लायक है, काफी बड़ा शहर भी है। मैं ये कह रहा था, मैं सिंगल हूँ, यहाँ पे अकेला रहता हूँ। सिंगल हो? हाँ अकेला रहता हूँ। फैमिली नहीं है आपके साथ? फैमिली नहीं है, वो इस वजह से कि मेरी जॉब लगी है, सारी फैमिली अलीगढ़ में ही शिफ्टेड है। तो देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं फैमिली वालों को रूम देती हूँ, बगैर फैमिली वालों को नहीं। ये तो प्रॉब्लम हो गई है कि नहीं, क्योंकि जिसके साथ फैमिली होती है मैं उन्हीं को देती हूँ, सिंगल को तो मैं देती नहीं हूँ। यही मैं पिछले एक मकान मालिक और थे, उन्होंने भी यही कहकर मुझे टाल दिया। चलो वैसे तुम करते क्या हो? मैं फाइनेंशियल कंपनी में एक मैं जॉब करता हूँ। अच्छा फाइनेंस का काम करते हो? अच्छा एक बात और, कुछ शौक? शौक नहीं, ऐसा कोई शौक भी नहीं है। अच्छा, बस थोड़ा घूमने फिरने का शौक है, बाकी नहीं। देखिए ऐसा होता है कि कुछ लोगों को होता है, बुरा मत मानिए, मैं पूछना इसलिए रही हूं आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ क्योंकि देखिए कुछ लोग ड्रिंक वगैरह भी करते हैं और फिर ड्रिंक वगैरह करके फिर यार दोस्तों को घर में बुलाते हैं। नथिंग, मेरा तो कोई यार दोस्त इसलिए नहीं है क्योंकि न्यू जॉब है, तो यार दोस्त होने का तो कोई मतलब नहीं। और साथ में फिर जो बात रही पीने खाने की, तो वो मैं कभी नहीं करता हूँ। नया जॉब है वो बात आपकी ठीक है, लेकिन बन जाते हैं लेकिन इतना क्लोज फ्रेंड किसी को मैं बनाता नहीं हूँ जो मैं अपने घर तक उसको सीमित रखूँ। अच्छा अच्छा जी। वैसे देखिए मैं सिंगल को तो, वैसे मेरे घर में देखो जितने भी रूम उठे हुए हैं सब फैमिली वाले हैं,
बच्चे वाले हैं, है कि नहीं, जितने भी हैं सब फैमिली वाले हैं। लेकिन वैसे आप मुझे कुछ ठीक लग रहे हैं, बाय नेचर आपका थोड़ा सही लग रहा है, तो चाहूँ तो चलो मैं आपको एक रूम दे सकती हूँ। बिल्कुल, लेकिन वो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं अरेंज कर लूंगा, बट देखिए पहली बात तो मैं विद फैमिली वालों को देती नहीं हूँ, अगर मैं आपको दे भी रही हूँ तो थोड़ा महंगा पड़ेगा। बिल्कुल कोई नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा, बस आप मुझे रूम दिखा दीजिए। चलिए आइए, मैं रूम दिखाती हूँ। थैंक यू।